भाई स्वागत है आप सभी का वाईफाई स्टडी चैनल पर। चेंजिंग द वे ऑफ लर्निंग वाईफाई स्टडीज अ पार्ट ऑफ एन अकेडमी। नमस्कार दोस्तों, उम्मीद है मैं आप सभी को ऑडिबल हूँ, विजिबल हूँ। और हमारा ये जो सेशन 7 बजे का धमाका सेशन 4000 क्वेश्चन की सीरीज सभी के लिए अवेलेबल है। हर एक एग्जाम का बच्चा प्रिपेयर कर सकता है। जीके की तैयारी है ना, 25 out of 25 क्वेश्चन अटैम्प्ट अगर आप करना चाहते हैं तो इस सीरीज को देखिए जरूर। हर क्वेश्चन नया होगा, इस चीज़ की अश्योरिटी मैं देता हूँ। हर दिन हर क्वेश्चन नया 7 बजे। मैं आपको अभी बता देता हूँ, बीच में फ्लक्चुएशन अगर आज होती है तो कोई दिक्कत मत मानिएगा, 1 या 2 सेकंड की फ्लक्चुएशन होगी, ज़्यादा नहीं होगी। ठीक है, क्लास पूरी कंप्लीट होगी, जरूर कनेक्टेड रहिएगा। ठीक है, 7 बजे की क्लास स्टार्ट करते हैं बेटा। जितने बच्चे देख रहे हैं, चलिए देखिए 7 बजे आपको ना टारगेट रखना है कि यार जब भी पढ़ो ना इतना पढ़ो कि 25 out of 25 क्वेश्चन अटेम्प्ट करने की हिम्मत हो आपके अंदर। ठीक है, और वो भी 10 मिनट। ठीक है, वो भी 10 मिनट में शेयर करना एक बार सेशन को सारे के सारे। गुड इवनिंग भाई, गुड इवनिंग, जल्दी से एक बार सेशन को शेयर करना बेटा। सारी क्लासेस लो, 5:30 बजे वाली क्लास जरूर लो, 7 बजे वाली क्लास के साथ। इंडियन पॉलिटी यूट्यूब पे सर्च कर लेना अगर थ्योरी पढ़नी है। ठीक है, ये दो वर्ड सर्च कर लेना। 10 बजे वाली क्लास होगी, कॉम्पैक्ट का हिस्सा बनी। ये ऐप पे जाना, आपको खुद आपको पता चल जाएगा। ऐप पे जाइए, कॉम्पैक्ट रेफर कोड यूज करके लाइव ओमन अटेम्प्ट करना। संडे को 12 बजे होता है। सेम फ्री टेस्ट सीरीज भी आपको ऐप पे मिलेंगी, प्लस कोर्सेज का मैं आपको बताऊं। देखो, एक तो आपको लगता है कि कुछ भी नेगेटिव पढ़ाया जा रहा है, फैक्चुअली रॉन्ग है, तो आप रिपोर्ट कर सकते हैं। बट बी ठीक है, आप दिक्कत ना मानिए, सब कुछ प्रॉपर तरीके से ही पढ़ाया जाएगा, एकदम अच्छे तरीके से। ठीक है ना, जस्टिफाइड हुआ। देखिए, आप कॉम्बो पैक ज्वाइन कर सकते हैं अन अकेडमी के प्लस पे। मैं प्लस इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि देखो बहुत से बच्चों को गाइडेंस चाहिए होती है, प्रॉपर गाइडेंस की हाँ इस सब्जेक्ट को ऐसे पढ़ना है, सब्जेक्ट टू सब्जेक्ट गाइडेंस। मतलब आपको एक ही कोर्स लेना है, सारे सब्जेक्ट्स की तैयारी करो। ये 30 जून कल है तो कल तक तो ले ही ले लेना, सो डेट की आपकी फीस हाइक ना हो। ठीक है, SSC गोल सिलेक्ट करना, क्वेश्चन क्लिक करना, मंथ सिलेक्ट करना, इधर हैव अ रेफर कोड लगा लेना पहले। ठीक है, जिससे आपकी फीस कम हो जाए। इस रेफर कोड पे आपको सब कुछ अवेलेबल होगा, A to Z चीज है ना। चलिए स्टार्ट करते हैं पहला क्वेश्चन। 120 क्वेश्चन टारगेट करेंगे पहला क्वेश्चन आप सभी के से। बताओ इस क्वेश्चन का आंसर क्या है पहले क्वेश्चन का। जैसे आप कह रहे हैं कि महाकालेश्वर टेम्पल कहां पे, देखो पहले ही क्वेश्चन ऐसा आगे किसी को नहीं पता। महाकालेश्वर टेम्पल कहां पे बताइएगा। ठीक है ना, महाकालेश्वर टेम्पल कहां पे, जल्दी से बताइएगा आंसर क्या है इस क्वेश्चन का। तो पहला क्वेश्चन ही थोड़ा सा खतरनाक, मध्य प्रदेश। ठीक है, महाकालेश्वर टेम्पल कहां पे है। ठीक है, मध्य प्रदेश में है ना। ठीक है, चलो आंसर क्या है इस क्वेश्चन का। ठीक है, आंसर इस क्वेश्चन का मध्य प्रदेश इसका आंसर है। चंद्रगुप्त मौर्य कैसे थे, अच्छे थे, बुरे थे, मासूम थे, खतरनाक थे, व्हाटसोएवर, बताइए कैसे थे। ठीक है, आपको क्या लगता है कैसे थे, जैसा आपने सुना है। ठीक है, इतिहास में चंद्रगुप्त मौर्य एक परोपकारी व्यक्ति थे। ठीक, क्या थे, परोपकारी व्यक्ति थे। धनानंद को हराने के बाद चंद्रगुप्त मौर्य आए थे। ठीक है, इतना बड़ा साम्राज्य एक साथ मिला तो उन्होंने परोपकार को सबसे आगे रखा। ठीक है, जैन धर्म को अपनाया उन्होंने। ठीक है, जीवन के आखिरी समय में। एक और क्वेश्चन देखो, चलिए एक और क्वेश्चन देखो, बताओ इस क्वेश्चन का आंसर क्या। ठीक है, अब ये नाम बड़ा प्यारा है। ठीक है बेटा, ऐसे भी वैसे बहुत सारे लोग जिंदुआ कहते हैं। ठीक है, जिंदुआ बड़ा प्यारा लवली सा नाम हो गया, जिंदुआ। जिंदुआ ट्रेडिशनल फोक डांस है कहाँ का, बताइए आपके हिसाब से जिंदुआ कहाँ का डांस है। ठीक है, आंसर क्या है, जिंदुआ नया नाम है ये। नया मतलब इस क्लास में आ रहे हो तो सब कुछ नया ही सीखोगे और रोज सीखोगे नया। जैसे जिंदुआ कहाँ का डांस है, जिंदुआ डांस है पंजाब का। हमें पंजाब का क्या ही पता, हमें बस ये पता गिद्दा है और भांगड़ा है, उसके अलावा कुछ नहीं पता ना। तो याद रखो ये भी पंजाब का एक डांस है, नाम है जिंदुआ। ठीक है, चलिए चलिए एक और क्वेश्चन देखें, इस क्वेश्चन का आंसर बताइए। हमारे शरीर का, हमारे अच्छा ह्यूमन हेड का पूछ रहा है। ठीक है, मानव का जो हेड है उसका कौन सा ऐसा भाग है जो हार्ट बीट से संबंधित है। बड़ा प्यारा क्वेश्चन पूछ रही है। साइंस के सवाल तो वैसे भी मिलते हैं, मैं आपको बीच में कवरेज कराता जा रहा हूँ। ठीक है, तो बताओ इस क्वेश्चन का आंसर, हमारे दिमाग का कौन सा ऐसा भाग है जो हार्ट बीट से संबंधित है। ठीक है, ये मेड्यूला ऑब्लिगेटा है क्या, लग तो ऐसे ही रहा है, बाकी आप बताइए, आपको ज्यादा बताओ, बताओ खुद कमेंट बॉक्स में बताओ। ठीक है, आंसर क्या है इस क्वेश्चन का, जल्दी से बताइएगा। ठीक है, इस क्वेश्चन का आंसर क्या है। ठीक है, इस क्वेश्चन का आंसर है बेटा, याद रखिएगा, मेड्यूला ऑब्लिगेटा। ठीक है, मेड्यूला ऑब्लिगेटा इसका आंसर है। एक और क्वेश्चन देखो, इस क्वेश्चन का आंसर। ठीक है, बताओ
आप कह रहे गुरु मारा, ठीक है, नया नाम है दोबारा, ठीक है, जितना नया सीखोगे ना उतना ही फायदा होगा, पुराना आपको रिवाइज करना होता है। बड़ी क्लासेस है यार उसके लिए, 7 बजे कुछ भी नहीं नया, ठीक है, हर चीज नहीं मिलेगी, ठीक है, रिपीट नहीं करा 7 बजे कुछ। गोरुमारा नेशनल पार्क कहाँ पे बते, गोरुमारा कहाँ पे, अब नाम से पता नहीं चल पा रहा लेकिन दिमाग में रखिएगा, आंसर है वेस्ट बंगाल, ठीक है, दिमाग में रखिएगा, ठीक है, गोरुमारा कहाँ पे, वेस्ट बंगाल में, नाम से बिल्कुल नहीं पता चला, ठीक है, दिमाग में रखिएगा, ठीक है, गोरुमारा कहाँ पे, वेस्ट बंगाल में है, नया क्वेश्चन है, पूछा जा सकता है। वेस्ट बंगाल के फेमस तो पता ही है आपको, लेकिन ये भी जान लो, ठीक है, ये भी जान लो, इम्पोर्टेंट है, ठीक है। चलो एक और क्वेश्चन देखो, इस क्वेश्चन का आंसर बताओ, वेस्ट बंगाल, नए क्वेश्चन सीखो, जो 7 बजे आया वो सीखा नया क्वेश्चन। अब ये आसान है, ये सुना हुआ, बांदीपुर कहाँ पे आप सभी जानते हैं, ठीक है, दिमाग में रखिएगा, नाटक, ठीक है, दिमाग में रखिएगा नाटक। अब ये नाटक वाला फंडा उसी को समझ आ रहा होगा जो बच्चा कल 8:15 की क्लास में था, जो बच्चा कल 8:15 की क्लास में था उसको एग्जैक्टली बांदीपुर देखते ही नाटक याद आ रहा होगा, ठीक है, एग्जैक्टली बांदीपुर देखते ही नाटक याद आ रहा होगा, ठीक है। मैंने कहा था ना कि अगर मैं आपको कुछ सिखाऊंगा तो याद रहेगा, ठीक है, आज 8:15 पे दोबारा आना, आज हम पोर्ट्स पढ़ेंगे सारे के सारे, ठीक है, नाटक थे कर्नाटका, ठीक है, दिमाग रखिएगा, बांदीपुर कहाँ पे, कर्नाटका में है, ठीक है। ट्रिक्स हमें बताऊंगा बेटा, शेयर करो एक बार सारे के सारे सेशन, पकड़ो क्वेश्चन, ये एसएससी गुरु की क्लास 5:30 बजे मैंने डाली थी, सब देखा करो, 7 बजे पढ़ रहे हो तो एसएससी गुरु में पढ़ना शुरू कर दो। चलो बताओ इस क्वेश्चन का आंसर क्या है, कहता है विच ऑफ द फॉलोइंग इज एसेंशियल फॉर बोथ फोटोसिंथेसिस एंड रेस्पिरेशन, ठीक है, दोनों को देखना पड़ेगा, ठीक है, प्रकाश संश्लेषण और श्वसन प्रक्रिया दोनों के लिए जरूरी है। यार पानी के लिए श्वसन का पानी से कुछ लेना देना नहीं, ठीक है, और ऑक्सीजन का फोटोसिंथेसिस से लेना देना नहीं है, क्योंकि फोटोसिंथेसिस के लिए कार्बन डाइऑक्साइड चाहिए होती है, सनलाइट का श्वसन से कुछ लेना देना नहीं है, तो मतलब दोनों नहीं मिल रहे, साइटोक्रोम दोनों में चाहिए, ठीक है ना, दिमाग पर रखिएगा, ठीक है, दिमाग पर रखिएगा, साइटोक्रोम इसका आंसर है। एक और क्वेश्चन देखिए, इस क्वेश्चन का आंसर क्या है, कमेंट करिएगा इस क्वेश्चन का आंसर क्या है। 8:15 पे आज सारे पोर्ट्स करेंगे, खत्म कर देंगे आज, निस्तो नाबूद कर देंगे पोर्ट्स को सारे जितने भी हैं। व्हाट इज द कैपिटल करेंसी ऑफ, ठीक है, बोट्सवाना, बताइए इस क्वेश्चन का आंसर, ठीक है, बोट्सवाना आज का पहला देश विद कैपिटल करेंसी, बताइए आंसर क्या होगा। नहीं नहीं क्वेश्चन है, नहीं सुना हो किसी ने, सीखना पड़ेगा भाई, पेपर में कुछ भी आता। देखो यार आजकल ना एग्जाम अनप्रिडिक्टेड हो रहा है, जीके 100% अनप्रिडिक्टेड होती है, ठीक है, हम बस टॉपिक बता सकते हैं, टॉपिक में कौन सा क्वेश्चन आएगा ये नहीं बता सकते, तो इसलिए मैं कहता हूँ सब पढ़ो, ठीक है, और वो सब 7 बजे पढ़ो, ज्यादा हर जगह नहीं पढ़ने की जरूरत पड़ेगी, ठीक है। गैब्रोन कैपिटल है और पोला जो है इसकी करेंसी है, पोला जो है इसकी करेंसी है बोट्सवाना, ठीक है, दिमाग को रखिएगा, बोट्सवाना जो है पोला इसकी करेंसी, ठीक है, दिमाग को रखिएगा, और गैब्रोन जो है इसका कैपिटल है, नया क्वेश्चन है, ठीक है। एक और क्वेश्चन देखिए, गैब्रोन और पोला, ठीक है, एक और क्वेश्चन देखिएगा, गंगा इंडस प्लेन, स्किप करा रहा, बाद में कराऊंगा, करा रखा है वैसे मैंने, ठीक है, बताइए चंशान पास दर्रा। अब ये क्वेश्चन भी अच्छा ही है, ठीक है, ये क्वेश्चन भी अच्छा ही है कि भाई चंशान पास जो है ये माउंटेन जो है ये कहाँ पे है। अब हमें इतने आसान पूछे जाते हैं कि खारदुंगला दर्रा कहाँ पे है, ठीक है, शिपकिला कहाँ पे है, सबको पता है यार नाथुला कहाँ पे है, इतना आसान नहीं पूछ रहा। अब चांसाल बताओ कहाँ पे, बताओ चांसाल दर्रा कहाँ पे है, नया क्वेश्चन है कि नहीं, बिल्कुल है, बताइए इस क्वेश्चन का आंसर क्या है, ठीक है। बर्थ वॉचिंग क्लास है 7 बजे की, रेगुलर देखिया करो, बता चांसाल दर्रा कहाँ पे है, आंसर क्या है इस क्वेश्चन का, ठीक है बेटा, याद रखना हिमाचल प्रदेश में। जैसे अगर मैं बात करूं ना शिपकिला कहाँ पे है, ठीक है, बोले ना शिपकिला कहाँ पे है, ठीक, शिपकिला कहाँ पे, ये भी दर्रा हिमाचल प्रदेश में बहुत फेमस है, और ये चांसाल दर्रा भी जो है, ये दर्रा भी जो है कहाँ पे, हिमाचल प्रदेश में बहुत फेमस है, ठीक है, दिमाग रहे चंसाल, ठीक, क्लियर है, ठीक है। चलिए एक और क्वेश्चन देखिएगा, इस क्वेश्चन का आंसर क्या है, ठीक है, चलिए इस क्वेश्चन का आंसर बताओ, प्यारा क्वेश्चन, रेयरिंग ऑफ सिल्क बॉम फ्रॉम द प्रोडक्शन ऑफ सिल्क, ठीक है, सिल्क के उत्पादन के लिए इसमें से कौन सा होगा, कमेंट करिएगा, सिल्क के प्रोडक्शन के लिए कौन सा होगा, ठीक है, बताइए इस क्वेश्चन का आंसर क्या है। बताइए इस क्वेश्चन का आंसर क्या है, क्या कहते हैं सिल्क प्रोडक्शन प्रोसेस को, हम क्या कहते हैं, कमेंट करिएगा इस क्वेश्चन का आंसर क्या है।
कमेंट करो भाई सारे के सारे। चलो बेटा आंसर क्या है इस क्वेश्चन का, ये तो गलत दे दिया यार। पिसी कल्चर तो फिश से संबंधित होता है, ठीक है, ये तो फिश से संबंधित होता है, ये तो नहीं है। इसका आंसर सीरी कल्चर, ठीक है, दिमाग रखिए। इसका आंसर रेशम का कीड़े का पालन करना होता है। हिंदी में क्लियर कर दिखा है और इधर मछली है, पीडीएफ में गलत लिखा हो सकता है, कोई दिक्कत नहीं, इग्नोर मारेंगे। हमें पीसी कल्चर फिश का पता होना चाहिए और सीरी कल्चर रेशम का पता होना चाहिए और एपिकल्चर अलग हो, है ना। तो आंसर क्या दिमाग रखिएगा, इस क्वेश्चन का आंसर क्या है, ये इसका आंसर, ठीक है। बड़ा प्यारा क्वेश्चन है, बड़ा प्यारा क्वेश्चन है, क्वेश्चन को बड़ा सोच के सोच, ये बात सोचना कि स्किप मारोगे, ठीक है, क्वेश्चन अच्छा है, बताइए इस क्वेश्चन का आंसर क्या है, कमेंट करिएगा सारे के सर, है ना। आंसर क्या है इस क्वेश्चन का, देखो यार ये बड़ा अच्छा क्वेश्चन है, ठीक है। थ्योरी डेट द अर्थ कंस्टिट्यूट द सेंटर ऑफ द यूनिवर्स अराउंड विच द सन रिवॉल्व्स, ठीक है, मजाक हो गया कि ये कह रहा है कि अर्थ सेंटर में है और सन इसके आसपास घूम रहा है और प्लेनेट भी घूम रहे हैं, ये गलत थ्योरी है। ये गलत थ्योरी किसने दी थी, ये गलत थ्योरी किसने दी थी बेटा, ये याद रखना, ठीक है, पोटलोमी के द्वारा दी गई थी, ठीक है, कोपरनिकस ने नहीं दी थी, पोटलोमी के द्वारा ये गलत थ्योरी दी थी, ठीक है ना, दिमाग पर रखे, इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, पूछा जा सकता है। पोटलोमी के द्वारा जो है ये गलत थ्योरी दी गई थी, कोपरनिकस ने नहीं दी थी, इंपोर्टेंट। अरे कैपलर क्यों बता रहे हो भाई, कैपलर इतना गलत सरत थोड़ी बताएंगे, कैपलर ने तो इतने अच्छे अच्छे लो दिए थे, तीन लो दिए थे, बिल्कुल अप्रोप्रिएट लो थे, है ना। तो भाई पोटलोमी इसका आंसर है, कैपलर भी मत लाओ, कैपलर तो लगाना चाहिए ही नहीं किसी को, गलत बता रहे हो, ठीक है। शेयर करो सारे के सारे, हैंडलूम, ठीक है, राष्ट्रीय हस्तकला जो दिवस है, हैंडलूम ऑब्वियसली हम जो हाथों से चीजें बना के देते हैं, अब ये किस दिन मनाया जाता है, चलो बेटा आंसर क्या है इस क्वेश्चन का, आपका हाथ आपके साथ हमेशा रहता है, ठीक है, हाथ का साथ आपके साथ हमेशा रहता है, ठीक है, जैसे हमारी 7 बजे वाली क्लास का साथ हमेशा रहता है, ठीक है। हैंड का मतलब होता है हाथ, और हाथ और साथ याद रखिएगा, ठीक है। चलिए एक और क्वेश्चन देखिएगा, इस क्वेश्चन का आंसर क्या है, बड़ा अच्छा फूल है, ठीक है, कैम्प्टी फूल बोलो या एम्प्टी फूल बोलो, ठीक है, बताओ इस क्वेश्चन का आंसर क्या है, कहां पे बताइए इस क्वेश्चन का आंसर क्या है। बेटा पार्टिसिपेट करना, क्वेश्चन बड़े अच्छे मिलेंगे, धीरे धीरे क्वेश्चन सोल्व करो, 120 क्वेश्चन उठाने हमें, है ना, और 7 बजे वाला रेगुलर सेशन है ये, ठीक है। आंसर क्या है इस क्वेश्चन, कैम्प्टी फॉल, एम्प्टी फॉल, आंसर क्या, उत्तराखंड, ठीक है, उत्तराखंड में, ठीक है, दिमाग में रखिएगा, ठीक है ना। अच्छा ये हम ऐसे भी याद कर सकते हैं, उतर जाना, ठीक है, उतर जाना, ठीक है, एम्प्टी हो जाना, ठीक है, खाली हो जाना, उतर जाना, एम्प्टी हो जाना, समथिंग दैट यू कैन रिलेट, ठीक है, उतर जाना, खाली हो जाना, ठीक है, यू कैन रिलेट, एम्प्टी, उतर जाना, खाली हो जाना। चलिए एक और क्वेश्चन देखिएगा, कौन से, देखो ल्यूकेमिया एक बीमारी का नाम है, और ये बीमारी हमारे कौन से ब्लड के पार्ट को इफेक्ट करता है, ठीक है, कॉर्पस जो है कौन से ब्लड के पार्ट को इफेक्ट करता है, इस क्वेश्चन का आंसर क्या है, जल्दी से बताइए इस क्वेश्चन का आंसर क्या है, ठीक है, कमेंट करिएगा, ठीक है। आंसर क्या है बेटा इस क्वेश्चन का, आंसर इस क्वेश्चन का WBC, बड़ा अच्छा क्वेश्चन है, पूछा जा सकता है, ठीक है, WBC को इम्पैक्ट करता है ल्यूकेमिया, और ये एक तरीके से ब्लड का रोग है, ब्लड, ठीक है, डिसीज अगर पूछा जाए तो ल्यूकेमिया इज अ ब्लड डिसीज जो व्हाइट ब्लड कॉर्पस को खराब, ठीक है, नुकसान पहुंचाते है। चलिए एक और क्वेश्चन देखिएगा, इस क्वेश्चन का आंसर क्या है बताइए, सिटी ऑफ विच इंडियन सिटी इज ऑल्सो नोन एज द सिटी ऑफ प्राइम मिनिस्टर, मतलब हमारे भारत के बहुत सारे प्रधानमंत्री यहीं से आए हैं, बड़ा आसान सा क्वेश्चन है, प्रधानमंत्री बनते ही यहीं से थे, ठीक है, बताइए आंसर क्या, और इसका कारण ये होता था क्योंकि जो लोकसभा की सीटें हैं वो सबसे ज्यादा है, लोकसभा की सीट होने की वजह से अलाहाबाद से, यूपी से सरकार बनती, कभी कभी बोला जाता ना यूपी में जो जीत गया वो पूरे सरकार केंद्र में जीत गया, ठीक, क्योंकि यूपी की लोकसभा सीटें इतनी सारी हैं, तो ऑब्वियसली कॉमनली अलाहाबाद या इन सब इलाकों से ही जो है व्यक्ति बनेगा, ठीक है ना। आंसर क्या इस क्वेश्चन का, ठीक है, हमारा नॉर्मल रक्तचाप कितना है, मैं क्वेश्चन जो पूछ रहा हूँ ना जायज क्वेश्चन है, सिटी ऑफ प्राइम मिनिस्टर किसे कहते हैं, ऐसे जायज क्वेश्चन आपको पेपर में मिलते हैं, ठीक है ना। चलो बेटा 8:15 का लिंक अभी दूंगा, क्लास के एंड में तसल्ली से क्लास होती है वो, तो ब्लड प्रेशर इधर 80-120 लिखा है, ठीक है, दिमाग में रखिएगा, 80-120 जो है एक नॉर्मल प्रेशर होता है, ठीक है, हाँ जी। मिनिमम विजिबिलिटी कितनी होती है, 25, थोड़ा आसान क्वेश्चन आ रहा है आज। चलिए 7 बजे रेगुलर क्लास होगी, सॉरी तबियत जब से खराब हुई है ना इंजेक्शन टीकाकरण की वजह से,
महानदी रिवर ओरिजिनेट फ्रॉम विच स्टेट, बताइए महानदी जो है कौन सी स्टेट से। बड़ा आसान सा क्वेश्चन है, अच्छा आपने ये सुना होगा महानदी, आपने हीराकुंड डैम से रिलेटेड सुना होगा उड़ीसा में, लेकिन वो वहां पे डैम है, वहां पे नदी जाती है, ओरिजिनेट का पूछा जा रहा है, ठीक है। अब ना बड़ी कॉमन सेंस की बात है, काटने का क्वेश्चन, अगर क्वेश्चन काटना हो, ये क्वेश्चन काटना हो तो आंसर आराम से आ जाएगा, ठीक है। छत्तीसगढ़ कैसे काटेंगे क्वेश्चन को, ठीक है। उड़ीसा इधर है, महानदी इधर है, तो भैया गुजरात से तो आएगी नहीं, काटो गुजरात, ठीक है, और पंजाब से भी नहीं आएगी, काटो पंजाब भी, ठीक है, और यूपी से क्यों आएगी भाई, यूपी से आनी होती तो उधर ही डैम बन जाता, बसता है छत्तीसगढ़ टाइप कुछ, है ना, समझ रहे, कॉमन सेंस की बात है। इसको अगर मेरे को नहीं भी आता ना, मैं ऐसे ही उड़ा देता इस क्वेश्चन को, आपको भी उड़ा देना चाहिए कि आंसर क्या होगा, मैपिंग करनी पड़ती है। बताइए इस क्वेश्चन का आंसर क्या है, बताइए इस क्वेश्चन का आंसर क्या है, ठीक कह रहा है इस क्वेश्चन का आंसर, विच टाइप ऑफ रेडिएशन अब्सॉर्ब बाय अपर लेयर ऑफ एटमॉस्फेयर। बड़ा आसान है, जैसे अगर मैं बात करूं ये अर्थ है, अर्थ के सरफेस पे कौन सी रेडिएशन अब्सॉर्ब होती है, बड़ा अच्छा क्वेश्चन भी है, ठीक काम का क्वेश्चन भी, बताइए बेटा। थोड़ा सा फ्लक्चुएशन हो रहा है, लेकिन क्लास पूरी देखिएगा, ठीक है, क्लास पूरी देखिएगा, नेट नेट का थोड़ा सा फ्लक्चुएशन आज ना हो रहा है, थोड़ा सा थोड़ी सी दिक्कत हो रही है, लेकिन क्लास पूरी देखिए। चलो बेटा आंसर क्या है इस क्वेश्चन का, इस क्वेश्चन का आंसर क्या है, याद रखिए इस क्वेश्चन का आंसर है इंफ्रारेड रेडिएशन। इंफ्रारेड रेडिएशन होती है जो हीट ट्रैपिंग करती है, हीट ट्रैपिंग करती है, ठीक है, जिसकी वजह से ग्रीन हाउस इफेक्ट कहते हैं होता है। चलिए एक और क्वेश्चन देखिए, अरे भाई सरफेस के ऊपर अल्ट्रावायलेट क्या करेंगी, जो आप अल्ट्रावायलेट आंसर लगा रहे हो मुझे बताओ सरफेस के ऊपर अल्ट्रावायलेट क्या करेंगी। अल्ट्रावायलेट रेस स्ट्रेटोस्फीयर में होती है, अल्ट्रावायलेट रेस स्ट्रेटोस्फीयर में होती है, सरफेस पे क्या काम है अल्ट्रावायलेट रेस का, ठीक है बेटा। पीडीएफ हमेशा मिलती है, ठीक है। गांधी एटॉमिक रिसर्च सेंटर कहाँ पे लोकेट है, कमेंट करेगा गांधी एटॉमिक, बेटा शेयर करो सारे के साथ, जल्दी से बताओ गांधी एटॉमिक रिसर्च सेंटर कहाँ पे है, तो आंसर क्या है इस क्वेश्चन का, कलपक्कम में, ठीक है दिमाग रखिए, कलपक्कम में है गांधी एटॉमिक रिसर्च सेंटर, ठीक है दिमाग पर रखिएगा। चलिए एक और क्वेश्चन देखिएगा, चलिए बताइए इस क्वेश्चन का आंसर, विच ऑफ द फॉलोइंग डिसीज इज कॉज्ड बाय वायरस, इसमें से कौन सा वायरस डिसीज है। चलो बेटा वायरस डिसीज कौन सा आसान है, अब ये कैसे आसान है, बड़ा कॉमन सा क्वेश्चन है, इन सभी में से ये जो हेपेटाइटिस है ना एक वायरस है, ये हमारे इस पे इंपैक्ट करता है, लीवर में इन्फ्लेशन करता है, हमारा जो लीवर होता है ना इसमें इन्फ्लेशन करता है ये हेपेटाइटिस वायरस, बाकी ना तो ट्यूबरक्लोसिस वायरस है, ना तो टाइफाइड है, ना तो ये, ठीक है। हेपेटाइटिस जस्ट लाइक रेबीज, रेबीज भी एक वायरस है, हेपेटाइटिस भी एक वायरस है, वैसे और भी बहुत सारे वायरस है, ठीक है गिनती नहीं है, और उन सबके जो कह सकते हैं ना सबसे बड़े बुजुर्ग कोरोना वायरस है इस समय, ठीक है। चलिए एक और क्वेश्चन देखिए, बताइए इस क्वेश्चन का आंसर, ठीक। कानका टेम्पल इज लोकेटेड इन विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट, बताइए कनक कह लो या फिर कानका कह लो, ठीक है मंदिर कहाँ पे लोकेटेड है, इस क्वेश्चन का आंसर क्या है, जल्दी से बताइए बेटा, पार्टिसिपेट करो सारे के सारे, हर एक बच्चा पार्टिसिपेट करो, अगर क्लास कंटिन्यूटी में देखोगे तो ही फायदा होगा, है ना। चलो बताओ आंसर क्या है, आंसर क्या है बेटा इस क्वेश्चन का आंसर क्या है, ठीक कानका टेम्पल जो है कहाँ पे, आंध्र प्रदेश में, ठीक कहाँ पे है, आंध्र प्रदेश में कानका टेम्पल है, ठीक है आंध्र प्रदेश में। बहुत प्यारा क्वेश्चन है, टेम्पल के क्वेश्चन वैसे भी अलग अलग यूनिक क्वेश्चन जितने भी होंगे सारे मिलेंगे, हमें याद करने पड़ेंगे। पीडीएफ कमेंट बॉक्स पे आएगी, तसल्ली रखो। फ्यूज वायर को मतलब फ्यूज वायर में ऐसा क्या है जिसको हम जिस वजह से हम फ्यूज को यूज करते हैं अप्लायंसेस के आगे, देखो यार फ्यूज का काम क्या होता है, बड़ी जल्दी मेल्ट हो जाता है, ठीक है और अच्छी हाई रेजिस्टेंस है, ठीक है बड़ी जल्दी मेल्ट होने का मतलब मेल्टिंग पॉइंट लो है, जल्दी मेल्ट हो जाता है, हाई रेजिस्टेंस यानी कि करंट को ज्यादा करंट होगा उसे पास नहीं करने देगा, और फ्यूज का काम भी तो यही है, फ्यूज का काम भी तो यही है लो मेल्टिंग पॉइंट होना और हाई रेजिस्टेंस होना, ठीक है दोनों चीजें, ठीक है इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पूछा जा सकता है। एक और क्वेश्चन देखिए, अब ये विजयवाड़ा, जैसे अगर मैं कहूँ ना अमरावती, अमरावती कहाँ पे, आंध्र प्रदेश में, और इवन ये विजयवाड़ा भी कहाँ पे, आंध्र प्रदेश में, कहाँ पे, आंध्र प्रदेश में, और मैंने आपको क्या बता रखा है कि जब आंध्र प्रदेश आता है तो कृष्णा नदी बहती है आंध्र प्रदेश से, ठीक क्वेश्चन समाप्त, ठीक है। इसमें क्या है, बड़ा आसान सा क्वेश्चन है, कृष्णा नदी होगा 100% आंसर, देखो फिर भी बताओ आप आंसर क्या होगा, ठीक है कि भाई विजयवाड़ा कौन सी नदी के किनारे, अमरावती भी इवन इसी नदी के किनारे, आंसर क्या है इस क्वेश्चन का,
है ना। चलो एक और क्वेश्चन देखो, इस क्वेश्चन का आंसर क्या है। ठीक है, आंसर इस क्वेश्चन कृष्णा नदी ही इसका आंसर है। याद रखिएगा आंध्र प्रदेश के सारे शहर जो है कृष्णा नदी के किनारे है, एक आधा जो है एक्सेप्शन हो सकता है। ठीक है, चलो एक और क्वेश्चन देखो। बद्रीनाथ, बड़ा आसान क्वेश्चन, ठीक है, अलकनंदा कोई दिक्कत ही नहीं है। किताब किसने लिखी, फ्लड ऑफ फायर, जल्दी से बताइएगा। ठीक है, फ्लड ऑफ फायर किताब किसकी किताब है। चलो बेटा, फ्लड ऑफ फायर किसकी किताब है, आंसर है अमिताभ घोष। और ये अमिताभ घोष फेमस है तो इसके ऊपर क्वेश्चन आ सकता है, इस चीज के ऊपर, फ्लड ऑफ फायर के ऊपर क्वेश्चन मिल सकता है। एक और क्वेश्चन, पन्ना बायेश्वर, कल बताए थे, क्या बताए थे आपको पन्ना, ठीक है, क्या बताए थे आपको पन्ना, पन्ना बताए थे आपको टाइगर, टाइगर बताए थे आपको मध्य। ठीक है, बताओ आप खुद, मैंने पन्ना के साथ साथ और भी बहुत चीजें बताई थी। ठीक है, कल मैं आपको बहुत सारे नेशनल पार्क करा चुका हूं, उसमें मैंने पन्ना भी बताया था। ठीक है, मध्य प्रदेश इसका आंसर है। आज मैं आपको सारे के सारे बंदर का, जितने भी पोर्ट्स हैं सबके क्वेश्चन करा दूंगा। आज का 8:15 का टॉपिक है बंदर का, करना है। ठीक है, मतलब 30 मिनट में हमें काम तमाम करना है उसका। हाँ जी, प्रोडक्शन के लिए कौन सा जिम्मेदार है बताइए इस क्वेश्चन का आंसर क्या। ऑब्वियसली यार किडनी होगा इसका आंसर। ठीक है, चलो आंसर क्या है, ठीक है, किडनी इसका आंसर है। ठीक है, ये पीडीएफ में हो गया होगा, गलत लग गया होगा, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक, किडनी इसका आंसर है यार। ठीक है, ऐसा हो जाता है, जिसने पीडीएफ टाइप करी होगी उसने देखा नहीं होगा दिल और गुर्दे का क्या फर्क है। ठीक है, चलो एक और क्वेश्चन देखिए। यूनाइटेड नेशन ह्यूमन राइट काउंसिल अगर मैं बात करूं तो इसके हेडक्वार्टर कहां पे, जल्दी से बताइए इस क्वेश्चन का आंसर। ठीक, इस क्वेश्चन का आंसर क्या है कमेंट करिएगा। चलिए बताइए इस क्वेश्चन का आंसर क्या है। देखो बड़ा आसान क्वेश्चन, यूनाइटेड नेशन ह्यूमन राइट काउंसिल की अगर मैं बात करूं तो भाई ये कहां पे, जनेवा स्विट्जरलैंड में। ठीक है, ह्यूमन राइट काउंसिल की बात करें तो कहां पे, जनेवा स्विट्जरलैंड में। जैसे बहुत सारे हेडक्वार्टर है यार जो जनेवा स्विट्जरलैंड में, कितने बता रखे आपको, आईएलओ से शुरुआत करो, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन तक सब कुछ जनेवा स्विट्जरलैंड में है। ठीक है, मिलिट्री मेडिसिन तक जनेवा स्विट्जरलैंड में है। ठीक है, ये भी अब यूनाइटेड नेशन ह्यूमन राइट काउंसिल भी। ठीक है, दिमाग पर रखिएगा, आसान क्वेश्चन है, कोई दिक्कत नहीं है। जनेवा स्विट्जरलैंड वाला क्वेश्चन अगर आता है तो वो तो आसान ही होता। ठीक है, चलो एक और क्वेश्चन देखो। ये मेरा रेफर कोड है, भूलना मत, जो नेक्स्ट जुलाई है ना, ये जुलाई का समय आपके लिए ना एक अपॉर्चुनिटी हो सकता है बेस्ट आउटपुट के लिए। प्लस कोर्सेज में आओ, इस रेफर कोड को यूज करो, कम से कम फीस लगेगी इस रेफर कोड से। ठीक है, भूलना मत, रेफर कोड यूज करके जुड़ जाओ। Which part of human body is most affected by typhoid? Obviously, typhoid से किस चीज पे इम्पैक्ट पड़ता है? टाइफाइड से हमारी आंख पे, intestine, intestine पे इम्पैक्ट पड़ता है, इसी वजह से व्यक्ति बहुत ज्यादा कमजोर हो जाता है। इंटेस्टाइन हमारे डाइजेशन का सबसे आखिरी भाग है, और वहीं पे डाइजेशन ना हो पूरा तो यार ऑब्वियसली इंसान का शरीर तो खत्म है ना। ठीक है, टाइफाइड खतरनाक होता है। ठीक है, चलिए एक और क्वेश्चन देखिए, इस क्वेश्चन का आंसर क्या है। आर्गुमेंटेटिव इंडिया, ठीक है, बिल्कुल हम है आर्गुमेंटेटिव इंडियंस। ठीक है, किसके द्वारा लिखी गई ये बताइए, आंसर क्या है। ठीक है, बहुत फेमस किताब है आर्गुमेंटेटिव, ठीक है, इंडियंस जो है किसकी किताब है, बताइए आर्गुमेंटेटिव जो इंडियंस जो है किताब किसकी किताब है। ठीक है, चलिए आंसर क्या है इस क्वेश्चन का, आंसर इस क्वेश्चन का याद रखिएगा। ठीक है, चेतन अमरत्य सेन इसका आंसर। एक और क्वेश्चन देखिएगा, बताइए बारबन क्रिकेट स्टेडियम, देखो यार बारबन महाराष्ट्र में है कि नहीं। मैंने आपको ये क्रिकेट स्टेडियम के क्वेश्चन सारे करा दिए, ए टू जेड आपको आने चाहिए। ठीक है, ए टू जेड आपको आना चाहिए, ए टू जेड क्वेश्चन कराए मैंने आपको ये। ठीक है, तो महाराष्ट्र इसका आंसर है। क्वेश्चन बहुत सारे कराए महाराष्ट्र में स्टेडियम, ऐसा नहीं कि एक क्वेश्चन है महाराष्ट्र का, बहुत क्वेश्चन करा रखे हैं। ठीक है, चलिए एक और क्वेश्चन बताइए। इंटरनेशनल गर्ल चाइल्ड डे, हमें 24 जनवरी का तो पता है कि हमारा जो 24 जनवरी है इस दिन होता है नेशनल गर्ल चाइल्ड डे। ठीक है, लेकिन इंटरनेशनली कब बनाया जाता है ये बताइए इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा। शेयर करो सेशन को, जल्दी से बताओ आंसर क्या है इस क्वेश्चन का। चलो बताओ इस क्वेश्चन का आंसर क्या है। ठीक है, इस क्वेश्चन का आंसर कमेंट करिएगा सारे के सारे। चलो बेटा इस क्वेश्चन का आंसर क्या है याद रखिए, 11 अक्टूबर। ठीक है, 11 अक्टूबर को मनाया जाता है, याद रखिएगा। ठीक है, अंतरराष्ट्रीय, ठीक है,
गर्ल चाइल्ड डे जो है 11 अक्टूबर को मनाया जाता है। चलो एक और क्वेश्चन देखो, फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल क्या डिटरमाइन करता है। अब इस क्वेश्चन को छोड़ नहीं सकते क्योंकि क्वेश्चन आपको लेफ्ट का राइट का आपको मिलेगा, ठीक है, क्वेश्चन तो आपको मिलेगा, ठीक है, तो हमें करना ही पड़ेगा ये। अब क्या क्वेश्चन है कि भाई फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल क्या डिटरमाइन करता है, तो ये डिटरमाइन करता है करंट मोशन इन मैग्नेटिक फील्ड। मैग्नेटिक फील्ड जो है उसमें करंट का क्या मोशन होगा, डायरेक्शन क्या होगी, उसको डिटरमाइन करता है कि किस दिशा में करंट होने वाला है, ठीक है। तो वही चीज हमें क्वेश्चन में मिल रही है, सी इसका आंसर है, प्यारा क्वेश्चन। जसपाल राणा किस खेल से एसोसिएटेड है, नाम सुना होगा, बहुत फेमस नाम है जसपाल राणा, ठीक है, जसपाल भट्टी मत लिखिएगा, ठीक है, नहीं तो कॉमेडी और रोमेडी ये सब आंसर में आना चाहिए था। चलिए बेटा आंसर क्या है इस क्वेश्चन का, इस क्वेश्चन का आंसर जसपाल राणा जो है कहां पे शूटिंग, इसका आंसर है, ठीक है, शूटिंग इसका आंसर है, और ये शूटिंग कैमरे वाली शूटिंग नहीं, एग्जैक्ट वाली शूटिंग है, ठीक है, दिमाग में रखिएगा, डिस्को टाइप शूटिंग, ठीक है। ड्राइएस्ट डेजर्ट इन द वर्ल्ड, बड़ा प्यारा क्वेश्चन है, दुनिया के सबसे जो सूखे, ठीक है, शुष्क मरुस्थल हैं वो कौन से हैं, बड़ा प्यारा क्वेश्चन है, पूछा जा सकता है। आंसर क्या है, दुनिया के सबसे शुष्क मरुस्थल कौन से हैं, अटकामा डेजर्ट, ठीक है, अटकामा डेजर्ट जो है, ठीक है बेटा, थोड़ा सा फ्लक्चुएशन हो सकता है नेट में, लेकिन क्लास पूरी देखिएगा, एक सेकेंड का फ्लक्चुएशन कभी भी हो जाता है, ठीक है, लेकिन डोंट बोदर, ये बढ़िया तरीके से क्लास चलने वाली है, प्रॉपर क्लास होगी, अभी एक घंटा 120 क्वेश्चन उठाने। देखो कल हमने पढ़ा था फॉल्स फिश, और फॉल्स फिश का नाम क्या पढ़ा था, स्टार फिश, ठीक है, दिमाग को रखिएगा, फॉल्स फिश का नाम पढ़ा था हमने, स्टार फिश मैंने आपको बताया था, ठीक है, तसल्ली से, ठीक है। अब कह रहा है डेविल फिश बताओ, ठीक है, इसमें से डेविल कौन सा है, ऑक्टोपस क्या डेविल है, क्या ऑक्टोपस डेविल है, ठीक है, ये कैरेक्टर भी है ऑक्टोपस, बहुत सारी चीजों का, ठीक है, आंसर क्या है इस क्वेश्चन का, ठीक है, आंसर क्या है इस क्वेश्चन का, बेटा जो मेरे प्लस कोर्सेज में जुड़ा जाता है इस रेफर कोड को यूज करिए, तसल्ली से भूलना मत, फ्राइडे को मैं एक बहुत अच्छा मैराथन लेके आऊंगा, दोपहर 2 बजे सभी को कनेक्ट करना है उसमें, ठीक है, दोपहर 2 बजे वाईफाई सेट पे, ऑक्टोपस इसका आंसर है। एक क्वेश्चन देखिए, अजित वाडेकर आंसर है क्रिकेट, ठीक है, फेमस खिलाड़ी है तो कोई दिक्कत नहीं है। शिवालिक फॉसिल पार्क म्यूजियम कहां पे लोकेटेड है, जल्दी से बताइए इस क्वेश्चन का आंसर क्या है। बताइए इस क्वेश्चन का आंसर, शिवालिक फॉसिल पार्क म्यूजियम कहां पे लोकेटेड है, इस क्वेश्चन का आंसर क्या है, कमेंट करिएगा, बताइए शिवालिक फॉसिल पार्क म्यूजियम कहां पे लोकेटेड है, बड़ा अच्छा क्वेश्चन पूछा जा सकता है, ठीक है, आंसर है इस क्वेश्चन का हिमाचल प्रदेश, ठीक है, हिमाचल, अब इसमें कोई बड़ा मुश्किल बात नहीं है, ठीक है, हिमाचल प्रदेश के जस्ट नीचे शिवालिक की पहाड़ियां होती है, मैं ये नहीं कहता कि हिमाचल प्रदेश में शिवालिक की पहाड़ियां हैं, उत्तराखंड में है शिवालिक की पहाड़ियां, लेकिन आप याद कर सकते हो कि भाई शिवालिक शिवा कुछ संबंधित है और बहुत पहाड़ों में जाके शिव भगवान थे, ठीक है, तो हिमाचल प्रदेश यहाँ पे आंसर लगाना मुश्किल नहीं होगा, आसान होगा, ठीक है, हमें बस रिलेट करके चीजें आंसर करनी है। देखो हमेशा कहता हूँ एक चीज, आंसर आपके सामने होता है, चार ही तो ऑप्शन है, उसी में तो कोई एक आंसर होगा, थोड़ा बुद्धि का प्रयोग करोगे ना तो वो आपको आंसर 100% करेक्ट मिलेगा, ठीक है, बहुत सारे ऐसे क्वेश्चन होंगे जो पढ़े नहीं होंगे, आते होंगे, ठीक है। रणगीत डैम जो है कहां पे, बताइए रणगीत डैम कहां पे, इस क्वेश्चन का आंसर क्या है ना, रिलेटेबल है, ठीक है बेटा, रिलेटेबल है, जल्दी से बताइए इस क्वेश्चन का आंसर क्या है, ठीक है बेटा, रणगीत डैम कहां पे, सिक्किम में, ठीक है, याद रखिए कहां पे, रणगीत डैम सिक्किम में। अभी मैं आपको पोर्ट्स की क्लास कराऊंगा 8:15 पे, अन अकेडमी की क्लास होगी, फ्री होगी, हर एक बच्चा कनेक्ट करना अगर आपको फायदा चाहिए, मैंने कल नेशनल पार्क पढ़ाए थे, बच्चों के दिल में बस गए, ठीक है, जो नहीं आता उसी का नुकसान हो रहा है बस, ठीक है। शोल्डर यूज किया जाता है, जैसे सर्किट कनेक्ट करने के लिए शोल्डर यूज करते हैं, इट इज अ मिश्रित धातु, एक मिश्रित धातु है, अलॉय है, अब किसका कॉम्बिनेशन, बताइए इस क्वेश्चन का आंसर, शोल्डर किसका कॉम्बिनेशन है, खतरनाक क्वेश्चन, ये मिश्रित धातु का क्वेश्चन मुश्किल है थोड़ा सा, ठीक है, आंसर है इस क्वेश्चन का SnNPb, ठीक है, दिमाग पर रखिए SnPb, ठीक है। अच्छा इसको हम कैसे याद करते हैं, मैं आपको बताऊं, जो बहुत उम्दा सोल्जर थे ना, सिंध और पंजाब के थे, बहुत उम्दा सोल्जर,
इवन ब्रिटिश आर्मी जो है, ब्रिटिश आर्मी में जो वो मानते थे कि सोल्जर स्ट्रॉन्ग थे, वो थे सिंध और पंजाब के। कैसे याद कर रहा है? सिंध और पंजाब के सोल्जर, ठीक है? क्या? सिंध और पंजाब के सोल्जर, याद रखने के लिए, ठीक है? एसएन क्या है? टिन है, और लेड क्या है? पीबी। सिंध और पंजाब के सोल्डर, ठीक है, यानी कि सोल्जर, ठीक है, रिलेटेबल है चीजें, याद करोगे। मैं आपको हमेशा बताता हूँ, रट्टा नहीं होता है ये, हिंट छोड़ना होता है, और हिंट जरूरी होता है, ठीक है? जब पढ़े हो तुम्हें याद ही नहीं है तो उस पढ़े का फायदा क्या होगा, ठीक है? क्या याद रखिएगा? सिंध और पंजाब के सोल्जर। ये मेरी एसएससी गुरु की क्लास है, 5:30 बजे जुड़ना स्टार्ट करो। यूट्यूब पे क्लास होती है, जरूरी क्लास, ठीक है? हर एक बर्ड सेंचुरी कहां पे, जल्दी से बताइए, बताइए हर एक बर्ड सेंचुरी कहां पे, जल्दी से बताइएगा, ठीक है ना? आंसर क्या इस क्वेश्चन का? आंसर पंजाब, ठीक है? ठीक है, दिमाग कर रखिए, हर एक बर्ड सेंचुरी कहां पे? पंजाब में है, इंपॉर्टेंट है, ठीक है? चलिए एक और क्वेश्चन देखिएगा। मैन हैज डैश, हमारे शरीर में कितनी सलाइवरी ग्लैंड्स होती है, ठीक है? बताइए आंसर क्या है इस क्वेश्चन का। हाँ, बस कल पीडीएफ नहीं डली थी, कल मैंने खुद देखा था, वो पीडीएफ नहीं डली थी, और मेरे को भी निराशा हुई इस चीज को जान के, पीडीएफ नहीं डली, हालांकि मैं रेगुलर पीडीएफ डाल रहा हूँ, ठीक है? आई विल सी, और पीडीएफ आज पक्का डलेगी, ठीक है, 100% डलेगी, बस एक कल नहीं डली, कल वाली क्लास के उस लिंक में भी पीडीएफ डलवा देता, ठीक है? मैन में, इंसान में कितनी सलाइवरी ग्लैंड है, याद रखिएगा, 3 है, ठीक है? सलाइवरी ग्लैंड 3 है, एक बार देखिए इस क्वेश्चन का आंसर क्या है। बेटा कनेक्टेड रहिएगा, थोड़ा सा फ्लक्चुएशन हो रहा है नेट का। एक सेकंड का बफरिंग है, एक सेकंड का बफरिंग है, ठीक है, ज्यादा नहीं है, एक सेकंड का बफरिंग है। चलिए एक क्वेश्चन देखो, मालाबार हिल सिचुएटेड है कहां पे? आसान क्वेश्चन है, बताइए मालाबार हिल कहां पे सिचुएटेड है, इस क्वेश्चन का आंसर क्या है। चलो आंसर क्या, मालाबार तो वैसे भी पता होना चाहिए, ठीक है? अब कोई कहेगा सर मालाबार लिखा है, हमें तो मालाबार सुन के केरला याद आता है। अब भाई इधर नहीं दे रखा, मालाबार हिल्स की बात हो रही है, ठीक है, दिमाग पर रखिएगा, महाराष्ट्र इसका आंसर है, ठीक है, मालाबार कोस्ट नहीं बोल रहा है, ठीक है? चलिए एक और क्वेश्चन देखिए, गुरु दोंगमर लेक कहां पे, बताइए। बताइए लेक कहां पे, इस क्वेश्चन का आंसर क्या है, कमेंट करिएगा इस क्वेश्चन का आंसर क्या है, लेक कहां पे, जल्दी से बताइए आंसर क्या है इस क्वेश्चन का। सिक्किम इसका आंसर है, ठीक है, सिक्किम इसका आंसर, बहुत महत्वपूर्ण सवाल है, ठीक है, सिक्किम इसका आंसर है, बहुत महत्वपूर्ण सवाल है। सिक्किम में हम बहुत सारी चीजें पढ़ते हैं, सिक्किम से संबंधित बहुत सारी चीजें हैं, फैक्चुअल रिटेन है, जितना सीखोगे उतना बढ़िया, देर इज ऑलवेज लोट मोर टू लर्न, ठीक है, दिमाग पर रखिएगा, सब कुछ यहीं पे पढ़ना है। 7 बजे एक ऐसी क्लास है जहां पे सब कुछ नया सीखोगे, ठीक है? आंसर क्या है इस क्वेश्चन का, इस क्वेश्चन का आंसर बताइए। एक क्लोक में जो पेंडुलम का मोशन है, जैसे एक क्लोक है और इसमें पेंडुलम दे रखा है, तो यार ऑब्वियसली इसका जो मोशन होगा कैसा होगा, वाइब्रेशनल होगा क्या, यार रोटेशनल, रोटेशनल तो भाई पूरा घूम जाता है, लीनियर हो नहीं सकता, बसता क्या है, क्या वाइब्रेशनल बसता है ना, रोटेशनल तो पूरा हो, रोटेशन इज इक्वल टू कंप्लीट सर्कल, लीनियर सीधा सीधा हो नहीं सकता, तो फिर वाइब्रेशन ही बसता है, ठीक है? चलो एक और क्वेश्चन देखो, बताओ, ठीक है, लरिसा लतियाना किस खेल से, खिलाड़ी का नाम है, बताइए किस खेल से। अब ये मुश्किल हो गया, विराट कोहली तो आपसे कभी भी नहीं पूछेगा, है ना, कि कौन से खेल से संबंधित है। मैं मानता हूं ये क्वेश्चन ना मुश्किल है आपके लिए, लेकिन ये क्वेश्चन पेपर में आसान होने चाहिए, इधर मुश्किल होने का कोई दिक्कत ही नहीं है, पेपर में आसान होने चाहिए, इसलिए मैं आपको हर क्वेश्चन नया करा रहा हूं। 4 बजे आप 7 बजे की हैबिट बना लो, क्वेश्चन आपको बहुत नए मिलने वाले, ठीक है? आंसर क्या इस क्वेश्चन का, ठीक है, लरिसा लतनियाना जो है ये जिम्नास्टिक, ठीक है, दिमाग रखे, हिंदी अलग है। चलिए आंसर क्या इस क्वेश्चन है, जिम्नास्टिक से, ठीक है, इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, पूछा जा सकता है। चलिए एक और क्वेश्चन देखिए, बताइए, रेडियो एक्टिव आयोडीन, जैसे सोडियम को यूज किया जाता है, रेडियो एक्टिव जो सोडियम है उसको यूज किया जाता है, वैसे रेडियो एक्टिव आयोडीन को किस लिए यूज किया जाता है, जल्दी से बताइए, बताइए आंसर क्या इस क्वेश्चन का, कमेंट करिएगा। चलो बेटा आंसर क्या है, थायराइड डिसीज। देखो यार सोल्ट आयोडीन, आप सभी जानते हैं आयोडीन की कमी की वजह से ही थायराइड होता है ना, इतना तो पता ही है कि आयोडीन की कमी की वजह से ही थायराइड होता है, तो ऑब्वियसली यार आयोडीन कहीं ना कहीं थायराइड डिसीज का ही कुछ इलाज करता होगा, है ना, तो आयोडीन की कमी की वजह से होता है तो थायराइड डिसीज का ही इलाज करता होगा, ठीक है?
तो वही चीज दे रखी है इसमें ऑप्शन में। ठीक है चलो एक और क्वेश्चन देखो बताओ। ठीक है धनवंतरी अवार्ड। अब यार धनवंतरी क्या है? धनवंतरी है, अगर आपने सुना हो तो आपके लिए आसानी होगा कि भाई धनवंतरी मेडिसिन से संबंधित है। धनवंतरी मेडिसिन से संबंधित, आप बताइए आंसर क्या होना चाहिए आपके हिसाब से। आंसर कुछ भी हो सकता है, हमारे हिसाब से धनवंतरी मेडिसिन से संबंधित है। हम अपने पेपर में इस चीज को जरूर जान ले कि जो हम पहले सोच लेते हैं वही आंसर होता है। ठीक है, हम जो पहले सोच लेते हैं वही आंसर होता है। हमने अगर धनवंतरी से चिकित्सा सोच लिया तो चिकित्सा ही आंसर होगा। रेयर गलत होगा, रेयर केस में गलत होगा, अदरवाइज नहीं होने वाला। ठीक है, तो जो दिमाग में पहले आता वो आंसर लगा दिया करो पेपर में। शेयर करो सेशन को, 7 बजे रेगुलर जुड़ना स्टार्ट करो, अभी बहुत क्वेश्चन होने हैं। माउंट हेराल्ड नेशनल पार्क कहाँ पे, जल्दी से देखो। देखो यार हेराल्ड कल पढ़ाया था मैंने, कल करा दिया था क्वेश्चन, तो मेरे हिसाब से मुश्किल नहीं है, मेरे हिसाब से मुश्किल नहीं है, कल कराया था मैंने। कल मैंने कराया था, आंसर क्या है इस क्वेश्चन का? माउंट हेराल्ड जो है अंडमान निकोबार से। आपको एक चीट कोड भी बताया था, या तो आपको क्वेश्चन में मिल जाए मरीन तब भी वो अंडमान निकोबार में होगा, या तो ये माउंट टाइप कुछ मिल जाए तब भी वो अंडमान निकोबार में होगा। ठीक है, तो आंसर इस क्वेश्चन का अंडमान निकोबार। एक और क्वेश्चन देखिए, पावर की एसआई यूनिट क्या होती है? बहुत बेसिक क्वेश्चन पूछ लिया है तो। बताओ इस क्वेश्चन का आंसर क्या है? चलिए आंसर क्या है इस क्वेश्चन का? अगर एसआई यूनिट पावर का पूछ रहा है तो ऑब्वियसली आसान क्वेश्चन हो गया। ठीक है जूल पर सेकंड। एक और क्वेश्चन देखिए, टाइप ऑफ कोल यूज इन प्रोडक्शन ऑफ थर्मल। देखो बिजली उत्पादन के लिए ना हमें कोल तो चाहिए। ठीक है, कोल तो चारों ही दे रखे हैं। अब कोल चाहिए बेस्ट क्वालिटी। अब बेस्ट क्वालिटी कोल कौन सा है इसमें से, बताइए खुद बताइए बेस्ट क्वालिटी कोल कौन सा, जल्दी से बताइए कौन सा इसमें से बेस्ट क्वालिटी कोल है। अब ये इतना आसान क्वेश्चन है ना, हमने बस इतना दिमाग में रखना है कि यार बेस्ट क्वालिटी कोल कौन सा है, अपने आप क्वेश्चन हो जाएगा सोल्व, अपने आप क्वेश्चन सोल्व हो जाएगा। बताइए कौन सा बेस्ट क्वालिटी कोल है। चलो जी आंसर है एंथ्रासाइट। ठीक है आंसर है एंथ्रासाइट। एक और क्वेश्चन देखिएगा। ठीक है बताइए, विच लाइन डिवाइड्स अफगानिस्तान एंड पाकिस्तान। कुछ ज्यादा मुश्किल नहीं है, जैसे अफगानिस्तान और इंडिया का बीच में डिवीजन आता है ना, ठीक है सेम वैसा ही है। ठीक है आंसर है डॉरेंट लाइन। ठीक है दिमाग रखिए, आसान सा क्वेश्चन। ठीक है 10 बजे वाली क्लास आज भी होगी, पहले हम करेंगे 8:15 का टॉपिक, हमारा स्पेशल टॉपिक जो होगा वो कवर करना। ठीक है उसके बाद चलो बताओ इस क्वेश्चन का आंसर क्या। हेलोजन विच इज मोस्ट रिएक्टिव, कौन सा हेलोजन है जो सबसे ज्यादा रिएक्टिव। आंसर क्या इस क्वेश्चन का, चलो बेटा आंसर क्या इस क्वेश्चन का, हेलोजन का सबसे रिएक्टिव जहां पे फ्लोरीन आ गया। ठीक है इस क्वेश्चन का आंसर होगा। ठीक है चलिए एक और क्वेश्चन देखिए, इस क्वेश्चन का आंसर है वेयर इज द शालीमार गार्डन लोकेटेड। बताइए कहां पे लोकेटेड है, जल्दी से बताइए इस क्वेश्चन का आंसर क्या है। शालीमार गार्डन कहां पे लोकेटेड, बड़ा फेमस है शालीमार गार्डन। ठीक है हमारे भारत में बहुत फेमस ये गार्डन है, ऐसे मतलब खूबसूरती का नजारा है ये। ठीक है भारत में जम्मू कश्मीर, एग्जैक्टली कश्मीर। ठीक है दिमाग पर रखिएगा शालीमार बाग। ठीक है चलिए एक और क्वेश्चन, शालीमार बाग कहते हैं एग्जैक्टली इसे। ठीक है चलिए एक और क्वेश्चन देखिए बताइए, स्किप मारो इस क्वेश्चन को, छोड़ो बेकार क्वेश्चन। एटमोस्फेयर ऑब्वियसली यार बैरोमीटर होगा, कोई दिक्कत ही नहीं है। काइट म्यूजियम कहाँ पे है बताइए, बड़ा अच्छा क्वेश्चन। काइट म्यूजियम कहाँ पे, यूनिक क्वेश्चन है सारे के सारे। आज देखो एक बात अपने दिमाग में डालो, पेपर में क्वेश्चन मुश्किल नहीं आता है, पेपर में क्वेश्चन नया आता है, और जो चीज नई होती है ना वो हमें ऑटोमेटिकली मुश्किल लगती है। हमें मुश्किल क्वेश्चन नहीं पढ़ना है, हमें हर चीज पढ़नी है कि कुछ मुश्किल लगे ना। ठीक है क्योंकि मुश्किल क्वेश्चन नहीं आएगा, क्वेश्चन आसान ही आएगा, बस पढ़ा होना चाहिए। ठीक है सिंपल सी बात है, ठीक है सिंपल सी बात है, हमारा टारगेट ये होना चाहिए। अगर मैं ये आपको बहुत सही गाइड कर रहा हूँ, आप मुश्किल चीजें पढ़ने लग जाते हैं, डर भी जाते हैं बच्चे, इतना मुश्किल क्वेश्चन कैसे सोल्व करें। अरे करना ही नहीं है मुश्किल सोल्व, आसान ही आएगा, पेपर है आपका, वो यूपीएससी का थोड़ी दे रहे हो। हाँ जी बताइए, डीकम्पोजर कौन सा है इसमें से,
बताइए कौन सा डीकंपोजर है। ठीक है, आंसर क्या है इस क्वेश्चन का? चलिए बताइए इस क्वेश्चन का आंसर क्या है। इस क्वेश्चन का दिमाग में रखना है, गुजरात फेमस काइट फेस्टिवल, काइट म्यूजियम बहुत फेमस है। ठीक है, इधर एक बैक्टीरियल फंगस दे रखा है, डीकम्पोज करते हैं कि नहीं, ये खराब करते हैं चीजों को कि नहीं, बैक्टीरिया और फंगस खराब करते हैं चीजों को कि नहीं, बड़ा आसान क्वेश्चन। ठीक है, बैक्टीरिया और फंगस है। एक और क्वेश्चन देखिए, जोली ग्रांट एयरपोर्ट। ठीक है, बताइए इस क्वेश्चन का आंसर क्या है। जोली ग्रांट एयरपोर्ट कहां पे, इस क्वेश्चन का आंसर क्या है? बताओ भाई, सोल्व करो, सारे सारे आंसर बताओ। जोली ग्रांट एयरपोर्ट कहां पे, बेटे याद रखना इस क्वेश्चन का आंसर क्या, उत्तराखंड इसका आंसर है। ठीक है, याद, उत्तराखंड इसका आंसर है। एक और क्वेश्चन देखो, बताओ ऑन विच रिवर, कौन सी नदी के किनारे स्टैच्यू ऑफ यूनिटी बनाया गया। जल्दी सब देखो, कौन सी नदी के किनारे स्टैच्यू ऑफ यूनिटी, बताओ इस क्वेश्चन का आंसर क्या, कमेंट करो सारे सारे। अब ये आसान है यार, देखो हम वैसे गुजरात जानते हैं, हम ऑब्वियसली अहमदाबाद नर्मदा, ठीक है, रिलेटेबल है, कोई ज्यादा मुश्किल क्वेश्चन है नहीं। ठीक है, एक और क्वेश्चन देखो, साइक्लोट्रोन कितना, ऐसा लग रहा होगा क्वेश्चन देखो, ओ भाई साहब क्या क्वेश्चन आ गया, कितना खतरनाक, कुछ भी नहीं है इसमें। ठीक है, आंसर क्या है? ठीक है, साइक्लोट्रोन क्या डिवाइस है, बताइए, बड़ा बेसिक सा क्वेश्चन है, साइक्लोट्रोन क्या डिवाइस है, आंसर क्या है इस क्वेश्चन का? ये प्रोवाइड करता है एनर्जी, चार्ज पार्टिकल्स प्रोवाइड एनर्जी। ठीक है, चार्ज पार्टिकल्स, बड़ा बेसिक सा क्वेश्चन, कोई मुश्किल नहीं है क्वेश्चन। चलो एक और क्वेश्चन देखो, मैंने ऊपर लिंक लगवाया ना, 8:15 का लिंक लगवाया, आज हम करेंगे कोट्स, सारे बंदरगाह धराशाही कर देंगे आज। ठीक है, और अलग अंदाज में पढ़ेंगे, इतनी भी गारंटी दे दो, अलग अंदाज, बिल्कुल याद होने वाली चीजें। ठीक है, चलिए आंसर क्या इस क्वेश्चन का, बताइए बेगमपट जो एयरपोर्ट है कहां पे। चलो भाई, आंसर क्या इस क्वेश्चन का, तेलंगाना इसका आंसर है। ठीक है, तेलंगाना इसका आंसर है। ठीक है, चलिए तो क्वेश्चन देखिएगा, इस क्वेश्चन का आंसर क्या है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज सब्स्टिट्यूटेबल, सर्दियों में वूल के कपड़े ना पहन के हम क्या पहनते हैं। ठीक है, वूल थोड़ा सा कभी कभी अनकंफर्टेबल भी लगता है कईयों को। ठीक है, अब उसका सब्स्टिट्यूट क्या है, नायलन है। ठीक है, सब्स्टिट्यूट क्या है, नायलन है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पूछा आ सकता है। जो भी बच्चा बेटा क्लास में आ रहे हो ना, आप इतना याद रखो, वाईफाई स्टडी पे 7 बजे डेली जुड़ सकते हो आप इस क्लास के लिए, 120 नए क्वेश्चन कर सकते हो। आज आप आयो, कल आप देखो, नए क्वेश्चन मिलेंगे आपको 100%। चलो एक और क्वेश्चन देखो, बताओ इस क्वेश्चन आंसर, हमारे शरीर की हड्डियों की ग्रोथ के लिए क्या चाहिए। ऑब्वियसली हड्डियां कैल्शियम से संबंधित है। ठीक है, हड्डियां किससे संबंधित है, कैल्शियम से संबंधित है ना, कैल्शियम स्ट्रॉन्ग करता है हड्डियों को, बोन्स को, तो ऑब्वियसली मैं इसका आंसर कैल्शियम लगा सकता हूं, कोई दिक्कत होनी चाहिए नहीं, बताइए इसको। कृपा शंकर बिश्नोई किस खेल से एसोसिएटेड है, कृपा शंकर बहुत फेमस खिलाड़ी है। ठीक है, बताइए इस क्वेश्चन का आंसर क्या है। ठीक है, बताइए इस क्वेश्चन का आंसर क्या है, कृपा शंकर किस खेल से संबंधित है। ठीक है बेटा, कृपा शंकर बिश्नोई किससे संबंधित है, आंसर इस क्वेश्चन है रेसलिंग। भूलना मत, फ्राइडे को मैं इस बार बहुत स्पेशल सेशन लेके आने वाला हूँ, दोपहर 2 बजे। ठीक है, कनेक्टेड रहेगा, फ्राइडे को दोपहर 2 बजे आंसर क्या इस क्वेश्चन का। 7 बजे तो खैर क्लास डेली होती है, बताइए डेब्रमाइल कैपिटल है कौन से देश की। अब ये मुश्किल क्वेश्चन है, अब ऐसे क्वेश्चन आ जाते हैं कि भाई ये किस देश की कैपिटल है। कोमन कैपिटल हम सभी जानते हैं कि नैरोबी किसकी कैपिटल है, ब्राजील किसकी कैपिटल है, ये चीजें आसान है। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, जैसे लेब्रेवाइल जैसे क्वेश्चन आता है फिर होती है दिक्कत। ठीक है, बताओ लेब्रेवाइल जो है किसकी कैपिटल है, इस क्वेश्चन का आंसर क्या है, बताओ आंसर क्या है इस क्वेश्चन का। चलिए आंसर क्या है इस क्वेश्चन का, लेब्रेवाइल किसकी कैपिटल है, बड़ा अच्छा क्वेश्चन, आंसर इस क्वेश्चन गैबून। ठीक है, इज द कैपिटल ऑफ कैबून, देश कैबून है। ठीक बेटा, किस एग्जाम के लिए, मैं आपको बताऊं, ये क्लास है बिल्कुल कॉमन क्वेश्चन होते हैं जो मतलब हर पेपर में मिलते हैं। हमें क्लास ऐसी रखनी चाहिए जो हम पढ़े ही पढ़े, वो 7 बजे वाली हो सकती है आपके लिए हमेशा। ठीक है, भूलना मत, हर एक एग्जाम की तैयारी हो रही है यहाँ। इधर टारगेट जीके करने का है, एग्जाम तो किसी भी एग्जाम में हो सकता है। ठीक है, केमिकल सब्सटेंस यूज इन टबैको, तो निकोटिन को यूज होता है, खतरनाक है, टबैको का कंजम्पशन बेकार होता है। ठीक है, मैन एंड सुपरमैन ये किताब फेमस है। ठीक, किसकी किताब है बताइए, मैन एंड सुपरमैन, बताइए आंसर क्या इस क्वेश्चन का।
चलो आंसर क्या है इस क्वेश्चन का, मैन एंड सुपरमैन जो है जीबी शाह इसका आंसर, ठीक है जीबी शाह इसका आंसर है। एक और क्वेश्चन देखिए इस क्वेश्चन का आंसर क्या है, ठीक कामला बफेलो रेस इज फेमस इन विच ऑफ द फॉलोइंग इंडियन स्टेट, बताइए कौन से स्टेट में, ठीक अब कैसे अगर मैं सिर्फ इसको कामला सोचू ना, ये सुप्रीम कोर्ट ने इस रेस के ऊपर वर्डिक्ट दे रखा कि गलत है, मतलब एनिमल्स को हानि पहुंचाने के लिए होता है इसमें, तो ये फेमस है, सुप्रीम कोर्ट ने इस पर वर्डिक्ट दे रखा है, कामला जो है ये कर्नाटका में होता है, ये बफेलो रेस फेमस है, ठीक है चलिए विवादित है, विवाद हुआ। चलिए एक और क्वेश्चन देखिए, क्रिकेट जो है टांग जो होती है लेग्स होती है वो एक तरीके से बैंड हो जाती है बोन्स, ठीक है लेग्स की, और क्रिकेट की जो बीमारी है परेशानी जो है किसकी, कौन से विटामिन की डेफिशिएंसी की वजह से होता है, कमेंट करिएगा इस क्वेश्चन का आंसर, कौन से विटामिन की डेफिशिएंसी की वजह से होता है, आंसर क्या है इस क्वेश्चन का, ठीक है आंसर है इस क्वेश्चन विटामिन डी, किसकी विटामिन डी, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। फतेह सागर लेक जो है कौन से शहर में, बताइए इस क्वेश्चन का आंसर, फतेह सागर लेक जो है कौन से शहर में, इस क्वेश्चन का आंसर क्या है कमेंट करिएगा, बड़ा अच्छा क्वेश्चन पूछा जा सकता है। हे बेटा आंसर क्या है इस क्वेश्चन का, कनेक्टेड रहिएगा बेटा, थोड़ा सा बफरिंग हो रहा है, ये ना एक सेकंड का बफरिंग ना हो जा रहा है, पता नहीं क्यों नेट फ्लक्चुएशन इतना हो रहा है, ठीक है मैं देखता हूं, लेकिन अभी आपका कनेक्टेड है, कोई क्लास स्किप नहीं होगी, ठीक है उदयपुर इसका आंसर है, ठीक है उदयपुर इसका आंसर है, ठीक है चलिए कोई क्वेश्चन देखिए इस क्वेश्चन का आंसर क्या, कौन सा केमिकल है जो फूड प्रिजर्वेशन में काम आता है, बताइए कौन सा केमिकल है फूड प्रिजर्वेशन में, अभी 8:15 की क्लास होगी, ऊपर लिंक इसलिए डाला है, ये रेफर कोड है लाइव अमन, कनेक्टेड रहिएगा, ठीक है ये क्लास जरूर होगी, 8:15 का टॉपिक तो हमें पढ़ना ही है बेटा। अब जैसे ये कह रहा है कि भाई प्रिजर्वेशन के लिए कौन सा है, आंसर क्या है इस क्वेश्चन का, आंसर है सोडियम मेंजोट, पीडीएफ कमेंट बॉक्स पे आ जाएगी, सोडियम मेंजोट इसका आंसर है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ना, सोडियम मेंजोट ही, हाँ सही है, ठीक है सोडियम मेंजोट इसका आंसर है। सॉरी चलो एक और क्वेश्चन देखो, बताओ ये बाद में करेंगे, ठीक है स्किप मारते हैं, बृदेश्वर टेम्पल कहां पे, फेमस नाम है ना बृदेश्वर, पता होना चाहिए आपको बृदेश्वर टेम्पल कहां पे, ठीक है पार्टिसिपेट करो, क्वेश्चन ऐसे हैं जो आप जनरली पेपर में ऐसे क्वेश्चन मिलते हैं आपको, इसके अलावा क्वेश्चन नहीं मिलते हैं, अच्छे क्वेश्चन है जो आपको मिलने वाले, बताओ इस क्वेश्चन का आंसर क्या है, बृदेश्वर टेम्पल, चलो आंसर क्या है इस क्वेश्चन का, बृदेश्वर टेम्पल जो है तमिलनाडु का फेमस नाम है, ठीक है तमिलनाडु में वैसे भी बहुत सारे टेम्पल है, चिदम्बरम टेम्पल है, ठीक है बृदेश्वर टेम्पल ये तमिलनाडु में है ना। चलो एक और क्वेश्चन देखो, बताओ तो विच रिलीजन सांची स्तूपा, अब सांची किस तरह, सांची स्तूपा कौन से धर्म से संबंधित है, कितना आसान क्वेश्चन है, चलो बेटा आंसर क्या इस क्वेश्चन का, सांची स्तूपा कौन से धर्म से संबंधित है, बौद्ध धर्म से संबंधित है, ठीक इससे बौद्ध धर्म से संबंधित है। चलो एक और क्वेश्चन देखो, इस क्वेश्चन का आंसर बताओ, आसान है क्वेश्चन, सांची स्तूपा अशोका के समय काल में है और रिलेटेबल, ठीक है आंसर क्या इस क्वेश्चन का, जल्दी से वो देख, है ना आंसर क्या, ब्रेन कासल इज अ कासल लोकेटेड इन विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्री, ये कासल ऐसे एक कासल नगर भी है हिमाचल प्रदेश में, एक कासल नगर भी है उस पर भी क्वेश्चन आता है, ठीक है बताइए ब्रेन कासल जो है ये कासल कौन से देश में लोकेटेड है, ठीक है और कासल नगर अगर आपसे डायरेक्ट पूछा है ना कि भाई कासल नगर कहाँ पे, तो याद रखना कासल नगर कहाँ पे है, हिमाचल प्रदेश में पूछा जा सकता है, बहुत इंपॉर्टेंट हेरिटेज लोकेशन है, रोमानिया, ब्रेन कासल, कासल जो है कहाँ पे, रोमानिया में है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ठीक है नए क्वेश्चन है सीखने वाले क्वेश्चन, जैसे मैं आपको कितने पैनल बता चुका हूँ, 17 पैनल बता दिया, 49 पैनल बता दिया, अब बारी है 39 पैनल भी बता दिया, अब बारी है 31 पैनल, कौन से दो देशों के बीच में पैनल है, रेडक्लिफ और मैकमोहन पूछते होते ना सबके लिए बहुत आसान हो जाता पेपर, ठीक है पूछते नहीं है, ठीक है अब बताओ 31 पैनल कौन से दो देशों के बीच में, कमेंट करो आंसर बताओ, चलो जी आंसर क्या है इस क्वेश्चन का, ठीक है 31 पैनल,
ठीक है, इराक और ईरान के बीच, और ये बहुत इंपॉर्टेंट लोकेशन है बेटा, इराक और ईरान के बीच में, किसी को नहीं पता। जैसे अगर मैं बात करूं लेबनान और इसराइल के बीच में ब्लू लाइन है 49 पैरेलल, यूएसए और कनाडा के बीच में, इराक और ईरान, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पूछा जा सकता है। चलिए एक और क्वेश्चन बेटा, 31st पैरेलल है, ठीक है, 31st पैरेलल है, 39th नहीं है। एक और क्वेश्चन देखो, ठीक है, समझो इस चीज को, सवाल है नए हैं, 7 बजे हो रहे हैं, YouTube पे ना एक बार ही समय निकाल के, अभी तो पहले आप टॉपिक पढ़िए, उसके बाद एक बार इंडियन पॉलिटिक्स सर्च कर लो, जो पहली बार मुझसे पढ़ रहा है, इतनी थ्योरी कहीं नहीं मिलेगी, पॉलिटिक्स का रामबाण समझो, एक बार ही सर्च कर लो चाहे, ठीक। बताइए चपचूर कोड जो है फेस्टिवल कौन सी स्टेट में बताइए होता है ना, बताइए आंसर क्या इसको। 7 बजे आओगे तो आपको ये सब चीजें सीखनी मिलेंगी। एग्जैक्टली, आपको नोटिफिकेशन का इंतजार नहीं करना चाहिए, सीधा सर्च करो 7 बजे वाईफाई स्टडी यूट्यूब पे, डायरेक्ट क्लास सबसे ऊपर क्लास मेरी होगी, मेरी ही क्लास होती है समय। चपचूर कोट फेस्टिवल जो है कौन से स्टेट में, मिजोरम में। एक और क्वेश्चन देखिए, चलिए एक और क्वेश्चन देखिए, एन अनफर्टिलाइज ह्यूमन एग में क्या होता है, कौन सा क्रोमोसोम होता है, एक अनफर्टिलाइज ह्यूमन एग में कौन सा क्रोमोसोम होता है, इस क्वेश्चन का आंसर क्या है, जल्दी से बताइए इस क्वेश्चन का आंसर क्या है ना, आंसर क्या है इस क्वेश्चन का, एक अनफर्टिलाइज ह्यूमन जो एग होता है उसमें एक्स क्रोमोसोम, अगर फर्टिलाइज ही होता तो उसमें वाई भी होता साहब, ठीक है। चलिए एक और क्वेश्चन देखिए, इस क्वेश्चन का आंसर क्या है, थोड़ा सा आज बफरिंग हो रहा है, फ्लक्चुएशन हो रहा है, पता नहीं किस वजह से हो गए, लेकिन क्लास पूरी देखो, अभी 8:15 का लिंक भी ओपन कर लेना, नोटिफाई कर लेना, ठीक है। चलो एक और क्वेश्चन देखो, वेदांतला बर्ड सेंचुरी जो है कौन सी स्टेट में, बताइए इस क्वेश्चन का आंसर क्या है, वेदांतला बर्ड सेंचुरी कौन सी स्टेट में, इस क्वेश्चन का आंसर क्या है। ऊपर जो लिंक दे रखा ना, ये लिंक है 8:15 के क्लास का, आज होगा मतलब टॉपिक पोर्ट्स का, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, तमिलनाडु इसका आंसर है, पूछा जा सकता है वेदांतला बर्ड सेंचुरी कहां पे है, तमिलनाडु में है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। होमर वाज अ ग्रेट पोएट, बहुत प्रसिद्ध कवि थे, कवि किस भाषा कहते हैं ये पूछा जा रहा है, कौन सी भाषा कहते हैं, होमर थे तो प्रसिद्ध कवि, किस भाषा कहते हैं ये बताओ, ठीक है ना, आंसर क्या इस क्वेश्चन का बेटा, ज्यादा नहीं हो रही है, बस ऐसा 1 सेकंड का फ्लक्चुएशन है और कुछ नहीं है। याद रखिएगा होमर कौन सी भाषा के कवि थे, याद रखिए ग्रीक यूनानी, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पूछा जा सकता है, ठीक है ना, ऐसा कुछ नहीं है, ठीक है, बताओ कनेक्ट रहना, अभी करेंगे क्लास। गुंडई नेशनल पार्क स्मॉलेस्ट पार्क है पूरे इंडिया का, सबसे छोटा पार्क है, ठीक है, शुरू होते ही खत्म ऐसा, ठीक है, आंसर क्या है बेटा, जल्दी से बताइए इस क्वेश्चन का आंसर क्या है, गुंडई नेशनल पार्क कहाँ पे है, बड़ा आसान क्वेश्चन, तमिलनाडु में, ठीक है, तमिलनाडु में गुंडई नेशनल पार्क, नाम बड़ा प्यारा है गुंडई, ठीक है, ऐसे नाम याद हो जाते हैं तसल्ली से, आसानी से याद हो जाते हैं, ठीक है। चलो एक और क्वेश्चन देखो, ये कहाँ का है, तमिलनाडु का है, देखिए कौन सी ऐसी लोकेशन है जहां पे फॉरेस्ट सबसे ज्यादा थिक होते हैं, ठीक है, अब ये तो बड़ा आसान है, फॉरेस्ट होने के लिए पानी होना चाहिए, पानी कहाँ पे सबसे ज्यादा होगा, ठीक है, तराई रीजन में, तराई रीजन में पानी सबसे ज्यादा होगा, तो भाई डेम्पनेस होगी, थिकनेस होगी, फॉरेस्ट वैरायटी ज्यादा होगी, वो कहाँ पे होगी, तराई रीजन में, बड़ा आसान क्वेश्चन, ठीक है, बहुत ही आसान क्वेश्चन है, कोई दिक्कत नहीं, इस क्वेश्चन का आंसर क्या है, तराई इसका आंसर एक क्वेश्चन, व्हेन वाज टेलीविजन स्टार्टेड इंडिया एज एन एक्सपेरिमेंटल सर्विस, बड़ा प्यारा क्वेश्चन, भारत में ना टीवी, कोई ये मत बोलना कि भाई अब टीवी तो सर शुरुआत में था, ठीक है, टेलीविजन एग्जैक्टली एक्सपेरिमेंटल सर्विसेज ना हमारा देश आजाद होने के बाद ही मिली थी, और वो भी सारे जग समूह में साथ में बैठ के देखते थे, ठीक है, आंसर क्या इस क्वेश्चन का, आंसर 1959, टेलीविजन की शुरुआत जो है 1959 में की गई, ठीक है, अच्छे क्वेश्चन में से एक है, पूछा जा सकता है, ऐसे फैक्ट है, ठीक है, फैक्ट है, सारे पता होना चाहिए, है ना, 7 बजे आप जो है ये फैक्ट पढ़ सकते हो तसल्ली से, बहुत अच्छे अच्छे फैक्ट जो है पढ़ा रहा हूं। नीलगिरी, नीलगिरी माउंटेन रेलवे सिचुएटेड है कहां पे, या तो केरला ऑप्शन में होता है या तो तमिलनाडु ऑप्शन में होता है, लेकिन इधर एक्सेप्शन केस भी हो सकता है, पहले आप बताओ नीलगिरी कहां पे है, माउंटेन रेलवे याद रखना, या तो केरला ऑप्शन में देगा, एग्जैक्टली ना केरला में है, नीलगिरी हिल्स केरला में है, लेकिन उसका माउंटेन रेलवे अगर बोला जाए ना तो वो तमिलनाडु में है, ठीक है, दिमाग रखें, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है। चलिए एक और क्वेश्चन देखो, इस क्वेश्चन का आंसर होता है, पार्टिसिपेट करो
7 बजे रेगुलर आने का ठान लो, मतलब कोशिश नहीं है आना है। अगर आप कनेक्टेड रहोगे ना तो आप सीखोगे 4000 क्वेश्चन ऐसे जो सबसे बेस्ट क्वेश्चन है, ठीक है। सीखने के लिए क्लास लगी है 7 बजे की, और रेगुलर क्लास होती है इवन सैटरडे संडे भी। ये मेरा रेफर कोड से आप स्टैटिक जीके की क्लास में जुड़ जाना। इसके जस्ट कंटिन्यूएशन में एक टॉपिक रखता हूँ और बेस्ट टॉपिक रखता हूँ हमेशा। बताइए कौन सा इसमें से साउंड वेव है जिसका फ्रीक्वेंसी इससे भी ज्यादा, 20,000 हर्ट्ज से भी ज्यादा है, बताइए बताइए। इस क्वेश्चन का आंसर क्या है? इससे भी ज्यादा आंसर क्या है इस क्वेश्चन का? ऑब्वियसली तो ये कौन सा है, या तो इंफ्रा या तो अल्ट्रा। आंसर है अल्ट्रासोनिक। अल्ट्रासोनिक इस क्वेश्चन का आंसर है, ठीक है। रिवर दामोदर एंड्स इन विच ऑफ द फॉलोइंग, कौन सी नदी में जाके मिलती है दामोदर का? दामोदर किसकी सहायक नदी है, कहने का मतलब दामोदर किसकी सहायक नदी है, ये सवाल है। इस तरीके का सवाल पूछा जा रहा है, बता भाई दामोदर किसकी सहायक नदी है ना। खैर अच्छा क्वेश्चन है, आंसर क्या बेटा? दामोदर नदी किसकी सहायक नदी है, याद रखना, ठीक है। ये हुगली की सहायक नदी है, ठीक है। हुगली नदी असहायक नदी है गंगा नदी की, और दामोदर हुगली नदी में जाके मिलती है, ठीक है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पूछा जा सकता है। एक और क्वेश्चन देखिए, लॉ ऑफ इनर्शिया फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन से दिया गया है। आसान क्वेश्चन कुछ भी नहीं है। नाम धाप नेशनल पार्क कहां पे? इससे आसान क्वेश्चन नहीं आ सकता, बड़ा इजी क्वेश्चन। बताइए नाम धाप नेशनल पार्क कहां पे, जल्दी से बताइएगा। चलिए बताइए नाम धाप नेशनल पार्क कहां पे, बड़ा आसान क्वेश्चन, कुछ भी नहीं है, अरुणाचल प्रदेश में, ठीक है, दिमाग रखिएगा, ठीक है। चलिए एक और क्वेश्चन देखिएगा, क्वेश्चन आंसर होते हैं। एसएससी गुरु की क्लास जरूर देखो, तो 5:30 बजे, अगर 7 बजे आ रहे हो ना 5:30 बजे कनेक्ट होना शुरू कर दो, क्योंकि कनेक्टिविटी आपको फायदा दिलाएगी, ठीक है। जैसे ये क्वेश्चन देखो, इस क्वेश्चन का आंसर बताओ बेटा, बफरिंग हो रही है, 1 सेकंड की बताओ इस क्वेश्चन का आंसर क्या। देखिए हमारे कैमरे का कौन सा भाग है जो रेटिना की तरह सेम काम करता है, जैसा रेटिना काम करता है वैसे कैमरे का वो भाग काम करता है, तो वो कौन सा काम भाग है बेटा? सिंपल सा, फिल्म। फिल्म पे ही इमेज बनती है, रेटिना पे ही इमेज बनती है। फिल्म पे भी इमेज बनती है और रेटिना पे भी इमेज बनती है ना। तो वही क्वेश्चन पूछा है, कैमरे का कौन सा भाग है, तो भाई फिल्म इसका आंसर, ठीक है। एक और क्वेश्चन देखो, इस क्वेश्चन का आंसर बताओ, कमेंट करो, पूरा पार्टिसिपेशन करो, पूरी क्लास देखो, 8:15 पे जुड़ो, फायदा तभी होगा। कंटिन्यूटी मैटर करती है भैया किसी क्लास में। एक दिन पढ़ के 120 क्वेश्चन से कुछ नहीं होगा, हर दिन 120 क्वेश्चन यहाँ पे 7 बजे पढ़ने पड़ेंगे, ठीक है, इवन सैटरडे संडे भी। द चिंगम फेमस है जम्मू कश्मीर में। एक और क्वेश्चन देखिए, हीमोग्लोबिन में जो मेटलिक पार्ट है, मतलब ब्लड में मेटल होता है आयरन, ठीक है, ब्लड में मेटल होता है आयरन, उसके अलावा कोई क्वेश्चन नहीं, आसान है क्वेश्चन, ठीक। चलो एक और क्वेश्चन, मोहनजोदड़ो कहां पे है, बताइए आंसर क्या। ठीक है बेटा, मोहनजोदड़ो कहां पे सिचुएटेड, तो आंसर क्या है इस क्वेश्चन का? लंकारा डिस्ट्रिक्ट। आपको कहेगा सर लंकारा डिस्ट्रिक्ट कहां पे, तो बेटा पाकिस्तान में है, ठीक है, पाकिस्तान में है, ठीक है, इंडस नदी के पास लंकारा डिस्ट्रिक्ट है। एक और क्वेश्चन, कन्वर लेक बर्ड सेंचुरी कहां पे, कमेंट करिएगा सारे सर। ऑलमोस्ट क्वेश्चन करा दिए मैंने, मैं 8:15 की क्लास जस्ट इसी के बाद करा रहा हूं, आपको बस लिंक ओपन करना है, ऊपर चैट बॉक्स का कनेक्ट करना है, आप पढ़ के देखो, 30 मिनट में आप इतना कुछ सीखोगे जो वैल्यूएबल होगा, याद रहेगा, दिमाग में सेट रहेगा, ठीक है। चलो बताओ कन्वर जो है कहां पे, बिहार, ठीक है, कन्वर लेक बर्ड सेंचुरी कहां पे, बिहार में, इंपोर्टेंट क्वेश्चन। एक और क्वेश्चन देखिए, ठीक है, गेहूं कैपिटल और करेंसी क्या है, जल्दी से बताइएगा इसकी कैपिटल, बेटा सेशन को लाइक और शेयर करना, आंसर क्या इस क्वेश्चन का, कैपिटल करेंसी क्या है, ठीक है, मोंटेवीडियो और पैसो, ठीक है, नाम थोड़ा सा यूनिक है, ठीक है, याद कर सकते हो, ठीक है, यूनिक है, याद कर सकते हो। बताइए बारथुला खान स्टेडियम कहां पे फेमस, राजस्थान में, ठीक है, दिमाग पर रखना, राजस्थान में बहुत फेमस है। चलो एक और क्वेश्चन देखो, वर्ल्ड फॉरेस्ट्री डे किस दिन ऑब्जर्व किया जाता है, कमेंट करिएगा वर्ल्ड फॉरेस्ट्री डे किस दिन ऑब्जर्व किया जाता है, इस क्वेश्चन का आंसर क्या है। ठीक है बेटा, वर्ल्ड फॉरेस्ट्री डे किस दिन ऑब्जर्व किया जाता है, तो आंसर क्या है इस क्वेश्चन का, इस क्वेश्चन का आंसर है, भूलना मत, आंसर है 21 मार्च। 21 मार्च को वर्ल्ड फॉरेस्ट्री डे ऑब्जर्व किया जाता है, बहुत महत्वपूर्ण सवाल है। ठीक है एक और क्वेश्चन देखिए,
इसमें से कौन सा फोटोग्राफी में, ये फाइनल क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन का आंसर बताओ, उसके बाद आप लिंक को ओपन करके नोटिफाई कर लो, ठीक है। ऑलमोस्ट सारे क्वेश्चन हो गए, 7 बजे रेगुलर क्लास हो रही है। फोटोग्राफी में क्या यूज होता है, मतलब ये जो ऊपर क्लास है ना, ये क्लास ऐसी है, अगर आप जैसे मान लो अभी जुड़ गए हो, आप आधा घंटा और देके देखो, 7 बजे से रेगुलर पढ़ने का मन करेगा आपका इस क्लास तक, जो 30 मिनट की एक और क्लास है, टॉपिक वाइज है, पोर्ट्स के टॉपिक करेंगे सारे पूरे, ठीक है। तो लिंक ओपन कर लो, मिलते हैं आपसे 7 बजे, क्लास डेली हो रही है, ये आपकी अगर हैबिट बन गई ना, लिटरली आपको क्वेश्चन का डर खत्म हो जाएगा, हर नया क्वेश्चन इस 7 बजे वाली क्लास में होता है। कहते हैं ना, एक नई चीज कहां पे अपडेट होती है, तो 7 बजे वो हर क्वेश्चन अपडेट होगा जो नया होगा, ठीक है। वो हर क्वेश्चन इस चीज की अशोरिटी देता हूं, बस आपको इस क्लास के साथ टॉपिक वाइज पढ़ना पड़ेगा। एक को क्लास को ऊपर जो लिंक दे रखा है, उस लिंक का कोड है लाइव अमन, 8:15 पे एग्जैक्टली वो मैं क्लास कराऊंगा, लिंक ओपन करके रख लो, 8:15 पे एग्जैक्टली क्लास स्टार्ट हो जाएगी, उससे लेट नहीं करेंगे, 8:15 पे एग्जैक्ट क्लास स्टार्ट कर देंगे। लिंक ओपन कर लो चैट बॉक्स से ऊपर से और जुड़ जाओ 8:15 पे, ठीक। चलिए, और बाकी मेरे प्लस कोर्सेस में जुड़िए। देखो मैं आपको हमेशा बताता हूं कि कुछ ना कुछ तो ऐसा होता है जो फाउंडेशन के बिना नहीं हो सकता, जैसे बहुत सारे सब्जेक्ट है जो फाउंडेशन के बिना नहीं हो सकते, तो वो फाउंडेशन के लिए आपको कंसेप्ट क्लास में जुड़ना चाहिए, वो प्लस कोर्सेज में होता है। 30 तारीख कल है, कल से पहले जुड़ जाओ, कल में जुड़ जाओ एग्जैक्टली बोले तो, फीस हाइक होने से पहले, और कॉम्बो में जुड़ो कि कॉम्बो आपको पैक मिल सके, एक साल में आप पूरी तैयारी कर सको, सिलेक्शन ले सको। जो नेक्स्ट मंथ आ रहा है ना, ये नेक्स्ट मंथ आपकी तैयारी का सबसे लास्ट चरम सीमा होगी, जिसमें आप तैयारी कर सकते हो। फाइनल एसएससी गोल सिलेक्ट करना, कस्टम क्लिक करना, हैवर एफयू कोड में लाइव अमन के लगा के फिर मन सिलेक्ट करना, जिससे आपको डिस्काउंट मिल सके, ठीक है, सारे के सारे। और इसी रेफर कोड को यूज करके ऊपर का लिंक ओपन करो, है ना। मिलते हैं आपसे कितने बजे, 8:15 पे, जस्ट क्लास स्टार्ट करने वाला हूं, उधर जुड़िए सारे के सारे। सेशन को लाइक करिए, शेयर करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए, रेफर कोड यूज करिए लाइव अमन, लिंक को ओपन कर लो सारे के सारे, है ना, ठीक है। मिलते हैं आप सभी से, और ये